हाँ तो बच्चों, ये आज का जो लेसन है, इस लेसन का जो नाम है, इस लेसन का जो नाम है वो है द फन दे हेड। वो आनंद जो उन्होंने लिया, या वो जो मजाक जो उन्होंने किया, वैसे तो वो आनंद जो उन्होंने उठाया, ये भी हम कह सकते हैं। आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। इस लेसन को लिखने वाला कौन है? वो है इज़ाक नामक कोई राइटर है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। इसमें है ना, दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी। दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। और ये बच्चे है ना, इसमें देखो ये लिखा हुआ है 17 मई 2100 2157 का जिक्र है, यानी कि फ्यूचर में जब जो बच्चे होंगे, जो बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, वो विचार करेंगे कि किस प्रकार पुस्तकों में पढ़ा जाता था। इस प्रकार वो बातें करेंगे, और वो पुस्तकें वो जिनके बारे में वो जानते भी नहीं होंगे अच्छी तरह, क्योंकि उस समय उनका जो है ना, घर पर ही टीचर होगा, कंप्यूटर रूपी टीचर होगा, वहीं पर वो बच्चे पढ़ते रहेंगे। उन्हें वही भूल जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि स्कूल भी एक ऐसी चीज़ होती थी, एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर बच्चे इकट्ठे और खुलकर पढ़ते थे। तो कहता है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में उस रात कुछ लिखा, ये सब लिखा। क्या लिखा देखिए, ऑन द पेज हेडेड, उसे हेडेड होता शीर्षक डाला, उस पेज के ऊपर शीर्षक डाला 17 मई 2157। और ये जो है उसने डेट डाली। सेर आउट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली है, या आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक हासिल हुई या लगी, पाई, मिली, ये कह सकते हैं हम। इट वॉज़ ए रियली ओल्ड बुक, यह वास्तव में एक पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, और मार्गी के जो दादाजी ने एक बार कहा था, दैट कि वहन जब ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक एक बच्चा था, सब छोटा, वह एक लड़का था, तब जो है उसके दादाजी ने, जो है मार्गी के दादाजी ने भी उसको बताया था, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट वेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसको बताया था, क्या बताया था, दैट कि देर वॉज ए टाइम, कि एक बार एक समय हुआ करता था। एक मिनट, कि एक बार एक समय हुआ करता था, वहन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी, छापी जाती थी। फिर कहता है इसमें, दे टर्न्ड द पेजेस, वे पेजेस को जो पलटते रहते थे, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मीनिंग होता है टुड़े मुड़े, या ये कहें कि झुर्रियाँ पड़े हुए। तो वो जो पेज कैसे होते थे, येल्लो होते थे और क्रिंकली, क्रिंकली का मीनिंग हम कहेंगे झुर्रियाँ पड़े हुए। एंड इट वॉज ऑफली फनी, ऑफली अत्यधिक फनी, विचित्र बात, विचित्र अजीब, यह जो एक विचित्र अजीब बात थी। टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना एक विचित्र बात होती थी। दैट जो शब्द स्टूड स्टिल, सितर खड़े होते थे, स्टिल में सितर, स्टिल इंस्टेड ऑफ की बजाय, मूविंग द वे, उस प्रकार से वो शब्द हिलने की बजाय खड़े होते थे, जिस प्रकार से उस प्रकार उस पर उस तरह से जो मूविंग करते हुए जो होते हैं ना शब्द, दे वर सपोज टू, जिस उन शब्दों के बारे में जो माना जाता था। तो कहता है कि जिस प्रकार से उन शब्दों के बारे में चलते हुए माना जाता था, बजाय उसके वो शब्द जो है चुपचाप खड़े थे, अर्थात वो शब्द वहाँ पर जो शांत खड़े थे, इसी तरह या स्थिर होकर खड़े थे, कहाँ, बुक में। तो ये फ्यूचर में जो है काफ़ी समय बाद जो ये बच्चे जो है वो पढ़ रहे होंगे, तो उस समय पुस्तकें नहीं होंगी, जब कोई पुस्तक उनको हाथ लगेगी तो वो सरप्राइज़ उनके लिए निश्चित, तो और ऐसा ही सरप्राइज़ इस बुक इसमें इस लेसन में बताया गया है। ये गी शब्द जो होता है, ये हैरानी सूचक शब्द होता है। सैड टॉमी, टॉमी ने जो हैरानी दिखाते हुए कहा, वाट ए वेस्ट, कितने जो है समय की बर्बादी है। वेन यू आर थ्रू विद द बुक्स,
थ्रू वेद होता है को पढ़ लिया, जब आपने जो है इस पुस्तक को पढ़ लिया है होता है तो जस्ट केवल यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो केवल आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस मेरा एक ऐसा अंदाजा है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, मिलियन 10 लाख ऑन इट, हमारे टीवी स्क्रीन पर जो है ये कहें कि 10 लाख की लगभग पुस्तकें हैं। एंड और इट्स गुड, और भी अच्छी बात ये है कि फॉर प्लंटी मोर, और भी प्लंटी मोर, बहुत ज़्यादा के लिए भी अभी ये कहना भी अच्छी बात है, अर्थात और काफ़ी पुस्तकें आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और कहता है कि मैं इनको नहीं फेंकूँगा। ये शब्द किसने कहा? टॉमी ने। किसको कहा है? मार्गी को। मार्गी एक लड़की है, टॉमी एक लड़का है, ये दोनों जो छोटे बच्चे हैं ये बातें कर रहे हैं एक पुस्तक के बारे में, और तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं आज जब वो अपने समय में 2100 जो ऐसा कुछ समय आया था उसमें जब वो पढ़ रहे होते हैं जिसमें पुस्तकें नहीं होंगी। ये एक काल्पनिक फ्यूचर के बारे में काल्पनिक घटना दिखाई गई है। सेम विद माइंड, मेरे साथ भी यही बात लागू होती है, मेरे वाले साथ भी यही बात लागू होती है, सेड मार्गी। मार्गी ने कहा, सी वाज 11, वह जो है अब 11 साल की, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मैंने इतनी पुस्तकें कभी नहीं देखी जितनी की जो टेली बुक्स, मैंने जो उतने टेली बुक्स पहले कभी नहीं देखी एज जितने की टॉमी हैड, जितने की टॉमी के पास हैं। ही वाज 13, वह 13 साल का है। सी सेड, उसने कहा, मार्गी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको लेकिन आपको ये पुस्तक कहाँ से मिली? अब कौन सी पुस्तक है? टीवी स्क्रीन वाली नहीं जो पहले पढ़ी जाती थी वो। फिर कहता है इसमें, इन माय हाउस, मेरे घर में थी ये पुस्तक। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने जो है पॉइंटेड बताया विदाउट लुकिंग, बिकॉज क्योंकि ही वाज बिजी रीडिंग। कहता है कि ये पुस्तक मेरे को जो है घर पर मिली थी, कहाँ? इन द एटिक, एटिक में अटारी में, ऊपर वाले अटारी में या ऊपर वाले जो है छत पर, जो ऊपरी जो कमरा होता है उसमें मिली थी। और फिर कहता है कि ये ही पॉइंटेड, उसने ये बताया विदाउट लुकिंग, बिना ऊपर देखे, क्योंकि बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था उस पुस्तक को। फिर कहता है कि फिर वो व्हाट्स इट अबाउट, किस बारे में है? मार्गी ने पूछा, वह फिर जवाब देता है स्कूल के बारे, विद्यालय के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल होता है नफरतपूर्ण या नफरत से परिपूर्ण, अपने मार्गी को नफरत से परिपूर्ण रवैया अपना लिया या बहुत ज़्यादा नफरत हुई या नफरत भराई मार्गी को स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, स्कूल के बारे में, अर्थात व्हाट्स देयर, क्या बात है जो टू राइट अबाउट स्कूल, जो स्कूल के बारे में लिखा जाए, ऐसे कुछ नहीं है स्कूल के बारे में लिखा जाए। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। और ऑलवेज हेटेड स्कूल बट, लेकिन नाउ अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले से, अब इससे पहले से और ज़्यादा नफरत करने लगी, थी। द मैकेनिकल टीचर, किसको कहा गया? उसके रूम में रखा हुआ कंप्यूटर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, इसको जियोग्राफी नहीं, जी ए ग्रेफी। कहता है कि वह जियोग्राफी में, भूगोल में जो है टेस्ट के बाद टेस्ट वह जो है उसका मैकेनिकल टीचर जो दे रहा था। एंड और सी हैड बीन डूइंग वर्स कमिंग होता है बहुत ज़्यादा ख़राब, और वह जब वह अपना काम बहुत ज़्यादा ख़राब करती जा रही थी एंटिल, जब तक कि हर मदर हैड सेकन हर हैड, जबकि उसकी मम्मी ने जो है उसका सर नहला दिया सोरोफली, दुखी होकर के, दुख के साथ। एंड और सेंड फॉर बुलावा भेजा द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक कि काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया गया था तब तक जो है वह अपने जियोग्राफी के या लेसन में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दिखाती जा रही थी। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाएगा, काउंटी इंस्पेक्टर जो मंडल जो निरीक्षक है उस एरिया में कंप्यूटर का जो जांच करता है उसको बुलाया गया, और जो काउंटिंग मीनिंग होता है मंडल, कहते ही वाज राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए हॉल बॉक्स ऑफ टूल्स। कहता है कि
वही वही गोल राउंड होता, गोल बटोल, वही गोल बटोल लिटिल छोटे कद का आदमी था, विद लिए हुए था क्या, एक रेड फेस उसका, लाल चेहरा जो था, विद का मीनिंग होता उसके साथ क्या क्या था, एक तो खुद का उसका लाल चेहरा था, एंड ए वॉल बॉक्स ऑफ ए टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स और तार और जो है कुछ वासर आदि के जो कुछ टूल उनके साथ जो है वह है जो कुछ एक टूल का बॉक्स लिए हुए था, औजारों का बॉक्स लिए हुए था, टूल्स में औजार कहता, औजारों वाला बॉक्स लिए हुए था जिसमें क्या था, डायल्स एंड वायर्स। डायल्स क्या होते हैं, सर्कल की जो है ना आकार में जो नट बोल्ट जो भी कहेंगे आप, वस्त्र आदि। आगे इसमें है ही स्माइल्ड एट को देखकर मुस्कुराया, मार्गी एंड गेव हर एप्पल, वह उसने वह मार्गी देखकर मुस्कुराया और उसने एक एप्पल दिया उसे। देन फिर टुक द टीचर अपार्ट, टुक अपार्ट होता खोल दिया, फिर सुन उसके मैकेनिकल जो टीचर है अर्थात कंप्यूटर को उसने खोल दिया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने यह आशा की थी कि ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टैगेदर, पुट टैगेदर होता है जोड़ना अगेन फिर से ही, और मार्गी ने सोचा कि वो फिर से वह जो इसको नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि इस तरह उसने खोल दिया एक एक उसको इससे क्यों, बट लेकिन ही न्यू वह जानता था हाउ ऑल राइट कि यह सब कैसे ठीक, इस सब को जो पूर्णता सही ढंग से वह जानता था कैसे ठीक करना था। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, और सो या कुछ ऐसा ही समय लगा देर इसको, फिर वो जो है इट वॉज अगेन, फिर इसको अगेन दोबारा जो इसको राइट कर दिया, सही कर दिया या व्यवस्थित कर दिया या ये कहें कि वापिस जोड़ दिया। ऑल राइट पूर्णतया, लेकिन मैं पूर्णतया जानता था कैसे क्या करना है। और एक घंटे बाद या कुछ लगभग, और सो ऐसा ही कुछ यानी लगभग एक घंटे बाद है, उसने उसको वापिस ही वैसा ही तैयार कर दिया उसको। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, कहता है बड़े बड़े लार्ज, बड़े बड़े ब्लैक, काले काले एंड अगली भद्दे जो थे, विद ए ग्रे बिग स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन के साथ, और भी जिस पर ऑल द लेसन वर शोन, जिस पर सभी जो लेसन दिखाए गए, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, कुछ प्रश्न पूछे गए, दैट वाजंट सो बैड, वो प्रश्न इतने बुरे नहीं थे, पार्ट, लेकिन वो हिस्सा जो मैगी हेटेड, जो वो हिस्सा जो मैगी नफरत करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट बॉय, स्लॉट होता है छिद्र, यह एक हिस्सा होता है कुछ पुट करने का, कुछ डालने का, कहता है वो हिस्सा जो जिससे मार्गी ज़्यादा नफरत करती थी, वो एक स्लॉट था, वो एक हिस्सा था, वो एक जो छिद्र था, वेयर सी हैड पुट हैड हैड टू पड़ता था, है सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क जो है सेव करना पड़ता था डाल करके, एंड टेस्ट पेपर जहाँ पर उसको जो है अपने कुछ होमवर्क और टेस्ट पेपर जो है अपना जो डालने पड़ते थे, जहाँ पर अपने पेपर को जो है उसको टेस्ट जो पेपर है और होमवर्क है वहाँ पर उसको रखना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, उनको हमेशा उनको उसको वह उसको बेचारी को लिखना पड़ता था इन ए पंच कोड, पंच कोड में, पंच कोड क्या होता है, एक छिद्र युक्त एक जो है ना कोड लिखते हैं उसके अंदर जो है, ये कहें कि पंच कोड कई बार आपने देखा होगा लाइन से उसमें जो छेद होते हैं उन छेद के अकॉर्डिंग जो उसमें हम अनुमान लगाते हैं कि कौन सा डिजाइन है, कौन सा अक्षर है, इस प्रकार से। तो कहता है यहाँ पर उसको पंचकोड में उसको लिखना पड़ता था जो पंचकोड दे मेड, उन जो है उन वैज्ञानिकों ने बनाए हुए थे या कंप्यूटर के जो निर्माताओं ने बना रखे थे, सॉफ्टवेयर के जो निर्माता होते हैं उन्होंने बना रखे थे, दे मेड हर, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे दे का मतलब है यहाँ पर पंचकोड ही है या वो अक्षर है या होमवर्क आदि है, दे मेड हर लर्न, वो कहता है कि उन्होंने जो है उसको सीखने के लिए मजबूर किया, वहन जब सी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर दे का मीनिंग यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स या उसके परिवार के जो लोग हैं और टीचर हैं या जो मैकेनिक हैं वे सब यहाँ पर दे में शामिल है। तो दे में अगर मान लिया जाए ये क्लियर नहीं होता है तो दे का अर्थ होता है उससे संबंधित तो लोग, यदि आप कहेंगे कि रिपेयर यदि रोड रिपेयर का जिक्र चल रहा है वहाँ पर आप दे शब्द का प्रयोग कर देंगे तो वहाँ पर प्रशासन के लोग हो जाते हैं, और यदि मेडिकल की बात चल रही है तो वहाँ पर दे का प्रयोग आप कर देते हैं मेडिकल से संबंधित, तो वहाँ पर जो होगी वो केमिस्ट और डॉक्टर्स में आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है उसके जो है ना उसको सिखाने की बात चल रही है तो वहाँ पर दे आ गया, इसलिए हम वहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे उसके पेरेंट्स आदि के लिए। तो कहता है कि
दे मेड हर लर्न, वे उसको जो उसको सिखाते थे, व्हेन जब सी वाज 6 इयर्स ओल्ड एंड और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, इन नो टाइम होता बहुत कम समय में, और कहता है कि वो मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर कम समय में उसके नंबर जो है, उसके मार्क्स जो है, जो हिसाब किताब करके दे देता या तुरंत जो है कैलकुलेशन कर देता। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर, अब जो इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कराया आफ्टर जब सी वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम पूरा कर दिया अर्थात उसने जोड़ तोड़ दिया या जोड़ा या ठीक कर दिया अपना उसका जो कंप्यूटर है। एंड पेटेड होता थपथपाया, मार्गी जेड और मार्गी के हेड को थोड़ा थपथपाया, मार्गी के सर को थोड़ा टच किया अपने हाथ से। ही सेड टू हर मदर, उसने 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 उसकी मम्मी से कहा उस काउंट इंस्पेक्टर ने, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस छोटी लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है, दोष नहीं है मिस्टर जॉन्स, मैं सॉरी मिसिज जॉन्स, अरे मिसिज जॉन्स आपकी लड़की का कोई दोष नहीं है। आई थिंक मेरे विचार से तो द जियोग्राफी जो सेक्टर है वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, टू मीन होता अत्यधिक या आवश्यकता से ज़्यादा, क्विक होता तेज, ए लिटिल कुछ गियर्ड का मीनिंग होता है किसी गति पर ठहराना, जैसे कौन से आपने वैसे आपकी देसी भाषा में गियर बोलना है ना वो गलत होता है, गियर होता है इतना गियर में चल रही गाड़ी, तो कहता है किसी गति पर टिकाना, किसी गति को निश्चित करना। कहता है शायद आई थिंक मेरे विचार से तो जो जियोग्राफी जो सेक्टर है, जियोग्राफी का जो काम जो इसमें जो सेक्टर हिस्सा है इस कंप्यूटर में, वो जो है वाज गियर्ड, वो स्थापित कर रखा था, टिका रखा था, वो निर्धारित किया हुआ कर रखा था, कुछ ए लिटिल कुछ जो है ज़्यादा ही तेज। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो बातें कभी कभार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं, होती रहती हैं, हो जाती हैं। आई आई का मीनिंग है आई हैव, आई हैव, एक मिनट कहाँ गई वो लाइन देख लेता हूँ एक बार में, हाँ आई यू स्लोड इट अप टू होता के लेवल तक, मैंने इसको स्लो कर दिया है एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, 10 साल के जो 17 के जो बच्चे तनोस्तन उसके लेवल तक मैंने इसको स्लो बना दिया है। एक्चुअली वास्तव में द आवर ऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री का मीनिंग होता संतोषजनक, क्वाइट बिल्कुल, कहता है कि जो इसका जो प्रोग्रेस है, इस बच्चे की जो प्रोग्रेस है, इस बच्चे की जो है पढ़ाई में जो परफॉर्मेंस है उसका, जो द आवर ऑल माने होता है सब मिलाकर के जो पैटर्न है, एक नमूना है, वो बिल्कुल ही शांति, वो बिल्कुल ही संतोषजनक है। एंड और ही पैटेड द मार्गीज हेड अगेन, काउंट इंस्पेक्टर ने दोबारा उसके मार्गी का जो सर है उसके ऊपर थोड़ा ऐसे थपथपाया। इस प्रकार मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी, सी हैड बीन होपिंग, वह तो आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर पूर्णतया, वह तो सोचती थी कि जो संवारने वाले होते हैं ना ये इसको मैकेनिकल टीचर को या इसको कंप्यूटर को, वो अपने साथ ले जाएंगे ऐसा सोचा था उसने तो। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर, क्योंकि एक बार उसने देखा था कि टॉमी का जो टीचर वो भी ऐसे ही जो ख़राब हो गया था उसको ले गए थे फॉर नियरली लगभग ए मंथ, बिकॉज क्योंकि द स्ट्रीट सेक्टर उसका हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, उसका पूर्णतः जो है ब्लैंक्ड पड़ गया था, ब्लैंक्ड आउट होता है काला पड़ गया। तो कहता है मार्गी ने सोचा कि जिस प्रकार है उसका जो इसका तो टॉमी का जो टीचर है मैकेनिकल टीचर है उसमें जो ना हिस्ट्री का जो सेक्टर है वो हिस्सा जो है वो ख़राब हो गया था, तो वहाँ उसको संवारने के लिए उसका जो मैकेनिकल जो काम करते हैं मैकेनिक्स जो होते हैं वो उसको संवारने के लिए वो लगभग एक महीने तक उस अपने साथ ले गए थे। और यही सोचा मार्गी ने कि एक महीने तक पीछा छूट जाएगा, होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनी वन राइट अबाउट इट अबाउट स्कूल, राइट वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि एक व्यक्ति के बारे कहता है कि एक स्कूल के बारे में, हाँ सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा कि वाई क्यों वुड एनी वन कोई व्यक्ति राइट लिखेगा, क्यों एक व्यक्ति लिखेगा स्कूल के बारे में, जो स्कूल एक अच्छी, क्योंकि बच्चे जो है ना ये टॉमी तो फिर भी ठीक है लेकिन ये क्या बोलते हैं मार्गी ये स्कूल से थोड़ी नफरत करती है क्योंकि ज़्यादा ओवर करना पड़ता उसको। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा विद वेरी सीरियस सुपीरियर आई, सुपीरियर होता है श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ नज़रों से उसकी ओर देखा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि है हमारे प्रकार के स्कूल नहीं होते, हमारे वाले जैसे स्कूल नहीं होते, हमारे वाले जैसे हमारे वाले किस्म के स्कूल नहीं होते।
क्योंकि इस किताब में जो स्कूलों का जो जिक्र किया गया ना, विद्यालयों का, स्कूल्स या विद्यालयों का जो जिक्र किया गया ना, वो कौन से हैं जो आज के टाइम हम पढ़ रहे हैं, इकट्ठे घर से चल करके इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं और इकट्ठे जाते हैं। और मार्गी ने सोचा कि इसमें वही स्कूल लिख रखे होंगे जो एक अपना जो फ्यूचर में जो बताया 21वीं 22वीं शताब्दी में किस प्रकार होंगे, कोई किताब नहीं होगी, स्कूल खुद का एक अपना घर ही स्कूल होगा, एक अलग सा रूम होगा। तो तब ये बताता है इसको, टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, मरे मूर्ख, स्टूपिड, ये हमारी किस्म के स्कूल नहीं होते, हमारे वाले जैसे स्कूल नहीं होते। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट जो दैट कमिंग जो दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों साल सैकड़ों वर्ष पहले होते थे इस प्रकार के, ऐसा वो बताता है। ही एडिड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मीनिंग होता है एक ये कहें कि ये एक दम्भी भाव में, या ये कहें कि थोड़े ही एक एरोगेंटली, यानी कि ये दिखाते हुए कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, इसमें लिखा भी है। तो कहता है कि उसने कुछ दिखावा करते हुए, लॉफ्टली का मीनिंग ये भी कहते हैं दिखावा करते हुए, एडिड और कहा, उसने कुछ दिखावा करते हुए कहा, प्रनाउंसिंग होता है बोलते हुए, द वर्ड शब्द को केयरफुली, सेंचुरीज एगो, ऐसे वो बड़े इसका बढ़िया प्रनाउंस करते हुए, इसका उच्चारण करते हुए, इस शब्द का केयरफुली इसका उच्चारण करते हुए उसने बताया, शताब्दियों पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को बड़ा हर्ट हुआ इस बात को सुनकर। वेल, तो हाँ, आई डोंट नो, हाँ तो मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि उनके पास कैसे स्कूल होते थे, ऑल दैट टाइम एगो, वो इतने बहुत समय पहले। सी रेड द बुक, उसने तो पुस्तकों में पढ़ा, उसने तो उस पुस्तक को पढ़ा, ओवर हिज शोल्डर, अब है जो है उसने उसके उसके कंधे के ऊपर से, फॉर ए वाइल होता है कुछ समय के तक, कुछ समय के लिए, कुछ समय तक, तो उसने उसके कंधे के ऊपर से कस कर जो है ना वो उसके उस किताब को पढ़ा। सैड, और देन सैड, फिर कहा, एनी वे कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनका एक उनका भी तो अपना एक अध्यापक होता था। श्योर, निश्चित रूप से दे हैड ए टीचर, अब वो बताता है कि हाँ निश्चित रूप से उनके पास भी अध्यापक होता था एक, बट इट वॉजेंट रेगुलर टीचर, लेकिन यह रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज ए मैन, यह एक आदमी होता था वो अध्यापक। यानी कि फ्यूचर में ऐसे तो बच्चे होंगे जो हमारे बारे में ऐसे बातें कर रहे होंगे, ए मैन, एक ऐसा आदमी, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता था। वेल, अच्छा, तो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह केवल बताता था लड़कियों और लड़कों को थिंग्स, कुछ बातें, एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनको होमवर्क देता था, उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, स्मार्ट होता है होशियार, चुस्त, एक्टिव इनफ, काफ़ी। अब वह कहती है कि एक आदमी तो इतना होशियार या स्मार्ट या चुस्त नहीं हो सकता जो इस प्रकार जो होमवर्क दे इतना। श्योर, ही इज, निश्चित रूप से वह ऐसा ही होता है। माई फादर नोज, मेरे फादर भी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना ज़्यादा कहता है। श्योर, निश्चित रूप से ही इज, वह ऐसा ही है, और माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और कहता है कि मेरे फादर भी उतना ही नॉलेज रखते हैं जितना कि जो मेरे मैकेनिकल टीचर रखता है, यहाँ पर मैकेनिकल का टीचर का अर्थ है, यहाँ पर माई टीचर की जगह कंप्यूटर, कहता है उतनी ज़्यादा नॉलेज तो मेरे फादर को भी जितनी ही नॉलेज है, मेरे कंप्यूटर ना जो टीचर की जगह जो कंप्यूटर है उसको है। हे नोज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग एज मच, और कहे इतना ही ज़्यादा वह भी जानता है। आई बेचा, बेचा कह यहाँ पर है शर्त लगाता हूँ, आई बेट बी टी कहीं या बेचा कहीं, मैं शर्त लगाता हूँ। आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन, सॉरी एक लाइन छोड़ दी मैंने ऊपर एक, मार्गी वाजेंट प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन तैयार, मार्गी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है आर्ग्यूमेंट करना, दैट उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने के लिए, ये कहें कि बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, उसके ऊपर डिस्प्यूट खड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी से उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं कोई विचित्र आदमी अपने घर में नहीं चाहूँगी पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड, चिल्लाया विद लाफ्टर, हंसी के साथ, जो हंसी के ठाके साथ चिल्लाते हुए बोला,
यू डोंट नो मच, मैं मार्गी, अरे मार्गी आप कुछ ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, वो टीचर जो होता है वो घरों में नहीं रहता था, वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, किड्स मीन बच्चे, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो होते हैं वो एक जैसी सेम बातें सीखते थे। श्योर निश्चित रूप से, इफ़ यू दे देवर अदा, श्योर निश्चित रूप से, इफ़ यू दे देवर द सेम एज, यदि वे निश्चित रूप से यदि एक ही एज के बच्चे हों तो। बट लेकिन माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल। इट इज, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर को जो है एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड के हिसाब से उसके जो है फिट करने के लिए, माइंड या उसके उसके दिमाग को जो है ना लेवल को या सतर को सही करने के लिए। एंड और दैट, और यह भी बताती है कि इच किड, प्रत्येक बच्चे को हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, प्रत्येक बच्चे को अलग सिखाना पड़ता है। अब ये तो जो अलग, हर एक जो अलग सिखाना, और यहाँ पर बताया गया है कि एडजस्ट किया जाना, तो ये तो कौन सा मैकेनिकल टीचर है जिसको कंप्यूटर कह रहे हैं, ये उसको एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे के माइंड के सतर्क, जो माइंड के अकॉर्डिंग उसका कितने क्या कैचिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड के जो है ना माइंड को जो है अकॉर्डिंग फिट होने के लिए टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, मैकेनिकल टीचर को। लेकिन पुराने वाले जो टीचर का जो जिक्र कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता, जस्ट द सेम, ठीक वैसी ही बात है। दे डिडंट डू इट, ठीक वैसे ही वे नहीं करते थे, ऐसा कहता, फिर भी वे ऐसा नहीं करते थे, जस्ट द सेम, फिर भी कह सकते हैं यहाँ पर, फिर भी दे डोंट डू इट, फिर भी वे ऐसा नहीं करते थे, दैट वे उस प्रकार से, देन तब, लेकिन तब जो है वो पुराने अध्यापक थे, वो बच्चे का माइंड सेट नहीं करते थे, या बच्चे या फिर टीचर को सेट नहीं करना पड़ता था, वो समझ जाते थे ये इस लेवल का बच्चा, इसको ऐसे पढ़ाना है। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आप ये पसंद नहीं करते हो इस पुस्तक को, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है, आप ये पुस्तक फिर नहीं पढ़ते हो तो। आई डिडेंट से, मैंने नहीं कहा, आई डिडेंट लाइक इट, मैंने तो नहीं कहा कि मैं ये पसंद नहीं करती हूँ पुस्तक, मार्गी सेड क्विकली, तुरंत मार्गी ने कहा। ही सी वॉन्टेड टू रीड, वह चाहती थी टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में जानना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, कहता है कि दे वरंट इवन, उन्होंने अभी आधा भी नहीं पढ़ा था वैन, तभी जो मार्गी की मदर ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल, मार्गी चलो स्कूल, स्कूल कौन सा, उसके जो घर में पर्सनल जो एक कमरा है। मार्गी लुकड़ अप, मार्गी ने जो किताब पढ़ते हुए जब अचानक छोड़कर ऊपर देखा, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी, नॉट येट अभी नहीं, नॉट येट का मीनिंग अभी तक भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर है अभी नहीं। नाउ अभी, सैड मिसिज जॉन, मिसिज जॉन ने कहा अभी आओ, अभी अभी अपना काम कीजिए। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद अब टॉमी के लिए भी टाइम हो गया था जाने का, प्रोबेबली शायद, टू बी टू बी टू 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 टू, बड़े बड़े ऊ की मात्रा बोलेंगे इसमें, अगर एक ओ हटा दिए तो टू रह जाएगा बस, छोटा ऊ की मात्रा। मार्गी से टू टोमी, मार्गी ने टोमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल, स्कूल का काम पूरा होने के बाद क्या मैं आपके साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मार्गी ने टोमी से कहा, मे बी शायद ही, मे बी शायद ही सेड नॉन सेलेंटली, नॉन सेलेंटली होता है उदासी से, उसने उदासी से कहा शायद। हाँ भाई, ही वॉकड अवे, वह जो अब ही वॉकड अवे, वह चला गया, विसलिंग होता है सीटी बजाते, वह चला गया। द डस्ट ओल्ड बुक, और कहता है उस धूल भरी जो पुरानी पुस्तक थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने अपनी भुजा के नीचे उसको टक्ड कर लिया। टक्ड का मीनिंग होता है लगाना या दबाव से कहीं पर चिपकाना। उसने अपनी भुजा के नीचे उस पुस्तक को रख लिया, धूल भरी पुस्तक को, और चल दिया। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी अपने उसका अपने घर के उस रूम में चले गई जो उसका स्कूल रूम है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू के
बगल में राइट ठीक ही है, जो ठीक उसके बेडरूम के बगल में था। एंड और द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था यार, था चल रहा था, एंड वाइट वेटिंग फॉर उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड द वेटिंग फॉर हर। इट वाज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन रहता था। एट द सेम टाइम, उसी समय, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर। अब ये दोनों ऊपर वाले लाइन ही ऊपर वैसे दिखा रखी है, एक्स्ट्रा लाइन है ये। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फ्लैशिंग होता है ये कहीं कि जगमगा रहा या कुछ चीज़ को दिखा रहा स्क्रीन पर, कुछ जो है वो फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था कुछ, या चमकीले अर्थ में कुछ दिखा रहा था, चमकीले जो है तरीके से कुछ दिखा रहा था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न, कि छोटे लड़के, उसकी मम्मी ने कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियाँ अच्छी तरह सीख लेती। इफ यदि दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह नियमित ढंग से सीखती हैं तो छोटी लड़कियाँ जल्दी सीख लेती हैं, ऐसा उसने कहा। द स्क्रीन वाज लिटअप, लिटअप होता जगमगा उठी या चालू हो गई। लाइट LIGHT लाइट, लिट लिट भी होता है, लाइट लाइटेड, लाइटेड भी होता है, ये लाइट की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी होगी, सॉरी हाँ थर्ड फॉर्म है ये वाज के बाद। कहता द स्क्रीन वाज लिटअप, वो जगमगा उठी। एंड इट सैड, और से इसमें, इस कंप्यूटर में कहा गया, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन, आज का जो अर्थमेटिक जो लेसन होगा, आज का जो मैथ संबंधी जो लेसन होगा, वो इज ऑन द, वो किस पर है, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है भिन्न, ये इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं वो फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी मीडियम में भिन्न बोलते हैं। कहता है प्रॉपर जो फ्रैक्शन जो चैप्टर होता है मैथ का, उसके उसका एडिशन के बारे में आज का लेसन होगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया करके कल का जो है होमवर्क डालें इन द प्रॉपर स्लॉट्स, उसे जो है उचित जो जगह है उसमें, या छिद्र है या जगह है उसमें, कल का जो होमवर्क डालें इंसर्ट में अंदर डालना। जैसे कि सिम अंदर डालते हैं तो ऑप्शन आते, जैसे कई बार सिम अंदर नहीं होती है तो मोबाइल में, तो हमें स्क्रीन पर क्या मिलता है, इंसर्ट द सिम। आगे मार्गेटेड, सो मार्गी ने ऐसा ही किया, विद ऐसा ही होता है भरते हुए या सांस छोड़ते हुए, सांस लेकर छोड़ते हुए उसने ऐसा ही किया। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, जो है तो अभी पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो ये जो उनके पास जो पहले जो लोगों के और बच्चों के पास जो होते थे, वैन जब हर ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड मदर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा छोटे से थे, छोटे थे तब, ऑल द किड्स फ्रॉम द हॉल नेबरहुड, सारे जो पड़ोस के बच्चे जो है, नेबरहुड पड़ोस के पड़ोस हॉल में संपूर्ण, या सारे संपूर्ण जो है, सारे नेबरहुड के जो, नेबरहुड के जो है से पड़ोस से जो है किड्स में बच्चे, सभी बच्चे जो है कैम आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर, इकट्ठे बैठते रहते, इन द स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते, एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग, वे जो है से वेस एक जैसी बातें सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वे एक दूसरे के जो है इस होमवर्क के बारे में मदद भी कर देते, कर सकते थे, और इसके बारे में बातें भी कर पाते। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस समय जो अध्यापक लोग ही होते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर जो था वो जो है स्क्रीन पर कुछ फ्लैश करके दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, देखिए ये देखिए पढ़ते हैं, अब क्या दिखा रहा था। When we are add fractions 1/2 and 1/4 जब हमें when we add fractions 1/2 and 1/4 जब इनको हम जोड़ते हैं तो ऐसा कुछ दिखा रहा था। आगे डॉट डॉट कहता कि इस प्रकार वो पूरा जो है सवाल वो शो कर रहा था, फ्लैश कर रहा था। मार्गे वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, अभी भी मार्गी का दिमाग था ना उस किताब में जो पुराने स्कूल का जिक्र था उसी के ऊपर था। मार्गी सोच रही थी कि, मार्गी जो है ये उस बारे में सोच रही थी किस प्रकार वो बच्चे जो थे वो उन पुराने दिनों में इस स्कूल को पसंद करते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, अब है लड़की जो है मार्गी जो है उस फन, उस मज़े के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उन्हें आता था, जो वे पुराने समय में बच्चे उठाते थे। इसका जो राइटर है नीचे इज़ा कैसी मऊ, आज के लिए इतना ही, ये लेसन यहाँ कंप्लीट हो चुका है।
यदि इस लेसन को आप किसी जगह पर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर इसको स्टॉप करके पॉज करके आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, 9th क्लास का ये लेसन आज का पूरा हुआ, आपने ध्यान दिया होगा अच्छी तरह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।